गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप आईएएस प्रीलिम स्पेशल डेली करेंट डोज में आपका स्वागत है। ये जुलाई महीने का हमारा 26वां डिस्कशन वीडियो है। चलिए हम आज का अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। हमारे डिस्कशन का पहला टॉपिक इस्तांबुल कन्वेंशन के बारे में है। इस्तांबुल कन्वेंशन जो महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा के रोकथाम के लिए किया गया था, इस समझौते को यूरोपीय समझौता परिषद के द्वारा शुरू किया गया था। इस समझौते में मुख्य रूप से महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ किसी भी प्रकार का हिंसा, चाहे वो घरेलू स्तर पर हो, बलात्कार के रूप में हो, यौन उत्पीड़न के मामले में हो, महिलाओं के जनन अंग पर किसी भी प्रकार के छेड़छाड़ से संबंधित हो, महिलाओं को किसी भी प्रकार से जोर जबरदस्ती के द्वारा विवाह से संबंधित हो, उनकी रोकथाम के लिए एक आदर्श समझौते के रूप में कार्य करता है। अब याद रखेंगे, यह समझौता एक बाध्यकारी समझौता है जो महिलाओं के खिलाफ हिंसा पर रोकथाम के क्षेत्र में कार्य करता है। इस समझौते को 2011 में कमिटी ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा अपनाया गया था, जो कि यूरोपीय परिषद का हिस्सा है। मार्च 2019 तक 45 देश और यूरोपीय संघ इस समझौते को हस्ताक्षर कर चुके हैं। जो भी देश इस समझौते पर अपनी सहमति देते हैं, इसका सहभागी बनते हैं, उन देशों पर ये कानूनी रूप से लागू होता है। उन देशों के लिए ये एक न्यूनतम मानक निर्धारित करता है जो महिलाओं के खिलाफ हिंसा के रोकथाम के लिए महत्वपूर्ण है। इससे संबंधित प्रश्न आपसे जो पूछा जा सकता है वो इस्तांबुल कन्वेंशन का संबंध किससे है, ऐसा पूछा जा सकता है। अब आप इस प्रश्न का उत्तर आसानी से निकाल सकते हैं, ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। हमारे डिस्कशन का दूसरा टॉपिक नाग नदी के बारे में है। नाग नदी के बारे में आप सबसे पहले यही याद रखेंगे कि ये महाराष्ट्र, जो कि हमारे प्यारे भारत का एक राज्य है, उसके एक शहर नागपुर से होकर गुजरती है। इसका उद्गम लावा पहाड़ी, जो कि महाराष्ट्र में है, इससे होता है और यह नदी कन्हान पेच नदी तंत्र का हिस्सा है। यदि हम बात करें कन्हान तंत्र नदी पेच का, नदी तंत्र प्रणाली का, तो फ्रेंड्स ये मध्य भारत में सतपुड़ा रेंज के दक्षिण में स्थित एक नदी तंत्र है जो वेनगंगा नदी के अंतर्गत आता है। यानी कि कन्हान पेच नदी तंत्र जो है वो वेनगंगा के सहायक नदियों का मेल है, इसे आप याद रखेंगे। इस नदी तंत्र का मुख्य भाग भारत के महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के आसपास है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। हमारे इस डिस्कशन से संबंधित जो प्रश्न आपको पूछा जा सकता है वो ये कि नाग नदी के बारे में निम्नलिखित कथनों की पहचान करें, वो कथन सही होने चाहिए। पहला कथन कहता है नाग नदी महाराष्ट्र से होकर बहती है। दूसरा कहता है यह नर्मदा नदी की सहायक नदी है। पहला तो बिल्कुल सही है क्योंकि हमने अभी अभी देखा है, लेकिन दूसरा गलत है क्योंकि ये नर्मदा नदी की सहायक नदी नहीं है, ये वेनगंगा नदी की सहायक नदी है। यानी कि इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा, आप इसे ध्यान रखें। हमारे डिस्कशन का तीसरा टॉपिक कारगिल विजय दिवस के बारे में है। आप जानते हैं कि 26 जुलाई को हर वर्ष कारगिल विजय दिवस के रूप में 1999 के बाद से लगातार मनाया जा रहा है। इससे संबंधित जो प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है वो तीन ऐसे क्षेत्र हो सकते हैं। पहला शिमला समझौता। शिमला समझौता के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान दोनों ने इस बात पर सहमति जताई थी कि LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर किसी भी प्रकार का सशस्त्र संघर्ष नहीं होगा। लेकिन पाकिस्तान तो पाकिस्तान है, हम तो सुधरेंगे नहीं। तो उन्होंने 1999 में यानी कि 1999 में भारत के क्षेत्रों को हड़पने की कोशिश की और उसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ा। भारत इसी अवसर को एक सुअवसर के रूप में कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाता है। तो आप याद रखेंगे किस समझौते के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान के बीच सशस्त्र संघर्ष को रोकने की कोशिश की गई थी, तो शिमला समझौता। इस दिन भारत को जीतने के लिए दो प्रकार के ऐसे ऑपरेशन चलाए गए थे। एक तो ऑपरेशन विजय, जो कि भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया था, इसे आप याद रखेंगे, और ऑपरेशन सागर, जो कि भारतीय वायुसेना के द्वारा
कारगिल युद्ध के दौरान चलाया गया था। तो इन दोनों ऑपरेशन को भी आपको याद रखना है, ऑपरेशन विजय और ऑपरेशन सागर। हमारी डिस्कशन का चौथा टॉपिक ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेस असेसमेंट यानी कि वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन से संबंधित है। ये अभी हाल फिलहाल में जारी किया गया है। सबसे पहले आपको यही याद रखना है कि FRA यानी कि ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेस असेसमेंट किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो आप याद रखेंगे FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा जारी किया गया है। इस रिपोर्ट में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमसे पूछा जा सकता है, उसको हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें इस रिपोर्ट का, तो जैसे हमने देखा कि इसे FAO के द्वारा जारी किया जाता है। UPSC ने 2019 के प्रीलिम्स पेपर में एक प्रश्न पूछा था रिपोर्ट से संबंधित, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से संबंधित। उसमें आयाम पूछे गए थे कि कौन से आयामों पर आधारित रिपोर्ट को तैयार किया जाता है। इसलिए आप याद रखेंगे कि वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन को करने के बाद जो अलग अलग क्षेत्रों को देखा जाता है उसमें भूमि का स्वामित्व, भूमि तक पहुंच का अधिकार, स्थायी वन प्रबंधन, वन संरक्षण के लिए कानूनी प्रावधान, संस्थागत ढांचा जो वनों को अस्थायी उपयोग के लिए प्रावधान करते हैं, इन सभी क्षेत्रों को इस रिपोर्ट में स्थान दिया जाता है। इसलिए यदि आपने इसे एक बार देख लिया, काफी आसान है, आप इसे याद कर लेंगे। यदि हम बात करें इस रिपोर्ट का, तो इस रिपोर्ट में बहुत सारे आंकड़े दिए गए हैं, लेकिन आपको उन आंकड़ों को याद रखने की जरूरत नहीं है। जो महत्वपूर्ण बात आपको याद रखना है उसे हम आपको बताते हैं, उसे आप ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले इस रिपोर्ट में आपको ये बताया गया है कि विश्व में 1990 के बाद से लेकर अभी तक 178 मिलियन हेक्टेयर वनों को नष्ट कर दिया गया, जो कि लीबिया के आकार के बराबर है। इसे आपको याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसी प्रकार से इस रिपोर्ट में यह बताया गया कि 1990 से लेकर 2020 के बीच में यानी कि 30 सालों की अवधि में पूरे विश्व में वनों की कटाई में कमी आई है और उनके हानि का जो दर है उनमें भी कमी आई है। इस बात को आप याद रखेंगे क्योंकि ये स्टेटमेंट आपको देकर यूपीएससी में प्रश्न पूछा जा सकता है। इसमें यह बताया गया है कि वनीकरण और वनों के प्राकृतिक विस्तार के कारण वनों के क्षेत्रफल में वृद्धि आई है। वनीकरण मानवों के द्वारा पेड़ लगाकर किया जाता है, लेकिन प्राकृतिक वितरण यानी कि प्राकृतिक रूप से जो वन है उनका विस्तार, इन दोनों ही वजहों से जो वन का क्षेत्रफल है पूरे विश्व में ये बढ़ा है, इसको आपको याद रखना है। अन्य महत्वपूर्ण बात जिसे आपको याद रखना है वो ये कि अफ्रीका में 2010 से लेकर 2020 के दौरान शुद्ध वन हानि में सर्वाधिक प्रतिशत देखा गया, जबकि दक्षिण अमेरिका में दूसरा सबसे ज्यादा वन हानि देखा गया। यदि आपसे भारत पूछा जाए, एशिया पूछा जाए या फिर उत्तर अमेरिका पूछा जाए, यूरोप पूछा जाए, तो आप कहेंगे कि जी नहीं, अफ्रीका में सबसे ज्यादा वन हानि का दर देखा गया है, उसके बाद दक्षिण अमेरिका में है। जो एक अन्य महत्वपूर्ण बात ये कि एशिया एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर वनों के वृद्धि में सबसे ज्यादा तीव्रता देखी गई है, उसके पश्चात ओशिनिया और फिर यूरोप का स्थान आता है। ये 2010 से 2020 के बीच की अवधि के दौरान ऐसा देखा गया है। पूरे विश्व में जितने भी स्थलीय क्षेत्र हैं उनमें से लगभग 31% ऐसे क्षेत्र हैं जो वन क्षेत्र के रूप में माने जाते हैं, आप इसे भी याद रखेंगे। विश्व का सबसे बड़ा वन क्षेत्र जो है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है, जिसमें 45% वन को कवर करता है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। 54% जो वन है वो केवल 5 देशों में है, उन 5 देशों में रूस, ब्राजील, कनाडा, अमेरिका और चीन है, इसे आप ध्यान रखेंगे। 2 से 3 बार यदि आप इसे पढ़ लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, तो यह आपके दिमाग में बैठ जाएगा। यदि हम बात करें इस रिपोर्ट में 10 सबसे तेजी से वन क्षेत्र को सुरक्षित करने और वृद्धि करने वाले देशों की, तो चीन, ऑस्ट्रेलिया, भारत, चिली, वियतनाम, तुर्की,
संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, इटली और रोमानिया है। इनको आपने एक बार देख लिया, अब आपसे यदि पूछा जाए तो भारत और चीन को आप याद रखेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका को याद रखेंगे, इसी के आसपास आपसे पूछा जा सकता है, रोमानिया और इटली को भी आप याद रखने का प्रश्न प्रयत्न करेंगे। यदि हम बात करें भारत का, तो भारत में जो वृद्धि दर देखी गई है वो लगभग 0.38% की है। इस सीमा को आपको याद रखना है। इस वृद्धि का मुख्य कारण जो है वो सामुदायिक प्रबंध किए गए वनों के वजह से है। इसमें सरकार और संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम जो अलग अलग संस्थानों के द्वारा संचालित किए जाते हैं, उसके अंतर्गत ही भारत में वनों के प्रतिशत में वृद्धि देखी गई है। यदि हम बात करें उन लोगों का जिसकी वजह से भारत में वन के क्षेत्र में वृद्धि आई है, तो वे स्थानीय लोग हैं, आदिवासी लोग हैं और वे देसी समुदाय हैं जो कि वनों में रहते हैं और वनों में रहकर वनों के संरक्षण करते हुए उन वनों के उत्पादों का उपयोग भी करते हैं। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। वनों के माध्यम से भारत में लगभग 12.5 मिलियन लोगों को रोजगार मिलता है, इसे भी आप ध्यान रखें। हमारे डिस्कशन का पांचवा टॉपिक सशस्त्र ड्रोन की बिक्री पर अमेरिका की दी गई नियमों में ढील से संबंधित है। अगर हम बात करें ड्रोन का, तो ये उड़ने वाले एक ऐसे यंत्र होते हैं जिसके माध्यम से निगरानी रखी जा सकती है, जिसके माध्यम से युद्ध के समय बमों को किसी दूसरे विरोधी के पास जाकर गिराया जा सकता है, ड्रोन के माध्यम से वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जाया जा सकता है। ड्रोन पर बहुत सारे प्रतिबंध लगे हुए थे MTCR के अंतर्गत। अभी अमेरिकी कैबिनेट के द्वारा 800 किलोमीटर प्रति घंटे से उड़ने वाले ऐसे ड्रोनों पर जो प्रतिबंध लगे हुए थे उस पर राहत दी गई है। इस प्रकार के प्रतिबंध मुख्य रूप से MQ-9 रिपर और RQ-4 ग्लोबल हॉक इस पर लगे हुए थे। आपसे ये पूछा जा सकता है कि MQ-9 रिपर क्या है, जो हाल फिलहाल में न्यूज में था, तो आप याद रखेंगे ये एक प्रकार का ड्रोन है। ये इसलिए किया गया है क्योंकि अब इस वैश्वीकरण और कोरोना महामारी के दौर में लोगों को वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए ड्रोन एक महत्वपूर्ण सहायक के रूप में कार्य कर सकते हैं। यदि हम बात करें MTCR का, तो इसमें कुल 45 देश हैं जो एक अनौपचारिक और स्वैच्छिक समझौते के रूप में इसके सदस्य हैं। इस समझौते को 1987 में G7 औद्योगिक देशों के द्वारा किया गया था। G7 यानी कि कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK और संयुक्त राज्य अमेरिका हैं। ये पहले G8 हुआ करता था जिसमें रूस भी शामिल था, लेकिन अब रूस G7 के अंतर्गत शामिल नहीं है, इसीलिए ये G7 है। इस समझौते में 300 किलोमीटर से अधिक दूरी और 500 किलोग्राम तक पेलोड ले जाने वाली जो मिसाइल होते हैं उन पर प्रतिबंध लगाने की बात की गई है। साथ ही मानव रहित हवाई ड्रोनों को ऐसे देशों में पहुंचने से रोका जाए जो इसका गलत उपयोग कर सकते हैं। इसी के प्रसार को रोकने के लिए MTCR समझौता किया गया था। MTCR मतलब मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, हिंदी में आप कह सकते हैं मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था। ये एक कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता नहीं है, इसे आप ध्यान रखेंगे। भारत 35वें सदस्य के रूप में 2016 में इसका सदस्य बना था। चीन इस समझौते का सदस्य नहीं है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। जो प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है उसमें यही कहा जा सकता है कि भारत इसका संस्थापक सदस्य था, आप कहेंगे कि जी नहीं। कहा जा सकता है कि ये एक बाध्यकारी समझौता है, आप कहेंगे जी नहीं। चीन इसके MTCR का सदस्य है, तब भी आप कहेंगे जी नहीं। यदि हम बात करें इसके उद्देश्य का, तो फ्रेंड्स जब इस समझौते को किया गया था उस समय मुख्य रूप से इसमें कुछ ऐसे खतरनाक हथियारों को जो मिसाइल के रूप में कार्य करते हैं उनकी दूरी यदि 300 किलोमीटर के आसपास है
या फिर उसके 500 किलोग्राम तक हथियारों को ले जाने की क्षमता है तो उस पर रोक की बात की गई थी। लेकिन 1992 में क्या किया जाता है कि परमाणु हथियारों को ले जाने वाले तंत्रों को भी इस समझौते के अंतर्गत शामिल किया जाता है ताकि सामूहिक विनाश को रोका जा सके। तो ये आप ध्यान रखेंगे। हमारे डिस्कशन का छठा टॉपिक बोत्सवाना के बारे में है। आपने अभी न्यूज में देखा होगा कि बोत्सवाना में बहुत सारे हाथी मारे गए थे। उनके मारे जाने का कारण पता किया जा रहा है, लेकिन जो प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है वो बोत्सवाना के बारे में है। तो बोत्सवाना का मैप आप सबसे पहले देखेंगे। ये एक अफ्रीकी देश है जो यहां पर है, इसे आप देख सकते हैं। अफ्रीका के बोत्सवाना के बारे में आप याद रखेंगे कि ये अफ्रीका का एक लैंडलॉक्ड देश है। लैंडलॉक्ड देश कहने का मतलब है कि इसे समुद्र तक जाने के लिए किसी दूसरे देश का सहारा लेना होगा। जो कालाहारी रेगिस्तान अफ्रीका के अंतर्गत है उसका लगभग 70% क्षेत्र बोत्सवाना के अंतर्गत ही आता है। बोत्सवाना एक ऐसा देश है जहां दुनिया का सबसे बड़ी आबादी में हाथी रहते हैं, इसे आप ध्यान रखेंगे। एक अन्य बात जो आपसे पूछा जा सकता है वो ये कि ये अफ्रीका का सबसे पुराना लोकतांत्रिक देश है। ये निरंतर भी है, कहने का मतलब है कि अफ्रीका में बहुत सारे ऐसे देश हैं जैसे कि नाइजीरिया, सूडान इत्यादि, वो ऐसे देश हैं फ्रेंड्स जहां पर ये लगता है मतलब लोकतंत्र लागू होता है, लेकिन कुछ समय के बाद वहां पर लोकतंत्र को समाप्त भी कर दिया जाता है। लेकिन बोत्सवाना एक ऐसा देश है जहां जब से लोकतंत्र लागू हुआ है अभी तक जारी है। बोत्सवाना के से सीमा लगने वाली देशों की यदि हम बात करें तो जाम्बिया, जिम्बाब्वे, नामीबिया और साउथ अफ्रीका है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। जो बोत्सवाना है वहां से मकर रेखा होकर गुजरती है, इसे भी आप देख सकते हैं। इसी से जुड़े हुए कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें हैं जिसे आपको ध्यान में रखना है कि एक संगठन है जिसका नाम है एलिफेंट विदाउट बॉर्डर। एलिफेंट विदाउट बॉर्डर जो है वो एक गैर लाभकारी कर मुक्त और पंजीकृत संस्थान है जो मुख्य रूप से अंगोला, बोत्सवाना, नामीबिया, जाम्बिया और जिम्बाब्वे के क्षेत्र में वन्य जीवों के संरक्षण के दिशा में कार्य करता है। ये इस क्षेत्र से गुजरने वाले नदी जाम्बेजी के एक शहर कांजुगुला में स्थित है। ये जो जाम्बेजी नदी है वो बोत्सवाना, नामीबिया, जाम्बिया और जिम्बाब्वे से होकर गुजरता है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। आपसे पूछा जा सकता है एलिफेंट विदाउट बॉर्डर क्या है या फिर एलिफेंट विदाउट बॉर्डर ये किस क्षेत्र में कार्य करता है, इसे भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आप ध्यान रखेंगे। इसी से जुड़ा हुआ एक अन्य महत्वपूर्ण बात, ओका वांगो डेल्टाई क्षेत्र है। तो ओका वोंगा डेल्टाई क्षेत्र जो है वो एक दलदली क्षेत्र है जो कि बोत्सवाना में है। आपको इसके बारे में डिटेल जानने की आवश्यकता नहीं है, बस आप याद रखेंगे कि ये डेल्टाई क्षेत्र बोत्सवाना में है और जाम्बिया नदी पर स्थित है। ये जाम्बिया नदी का जो एक सहायक नदी है जहां पर मिलती है, ओका वांगो नदी जो कि कालाहारी क्षेत्र में है वहां पर एक बेसिन के रूप में स्थित है। ये एक विवर्तनिकी गर्त के रूप में स्थल को निर्मित करता है। ये देखने में काफी खूबसूरत है, इसी वजह से 2014 में इस डेल्टाई क्षेत्र को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया था, तो आप इसे ध्यान रखें। तो फ्रेंड्स, ये हमारा आज का डिस्कशन था। आपको कैसा लगा आप जरूर बताइए। थैंक यू वेरी मच।